नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में जल्द ही विधान परिषद चुनाव यानी कि MLC चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। ऐसे में हम आज आपको विधान परिषद चुनाव के द्वारा चुने गए MLC के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें आप इस चुनाव और चुने जाने वाले MLC की सारी जानकारी ले सकेंगे। आमतौर पर बिहार में विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या 75 है। बिहार के पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा बिहार के 18 जिलों और 4 प्रमंडलों को मिलाकर 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई और बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 96 से घटाकर 75 निर्धारित की गई। वर्तमान समय में बिहार विधान परिषद में 27 सदस्य बिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से, 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, 6 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, 24 स्थानीय प्राधिकार से और 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि MLC का चयन आखिर होता कैसे है। परिषद के लगभग एक तिहाई सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो इसके सदस्य नहीं हैं। एक तिहाई निर्वाचिका द्वारा, जिसमें नगर पालिकाओं के सदस्य, जिला बोर्ड और राज्य में अन्य प्राधिकरणों के सदस्य सम्मिलित हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 का चुनाव निर्वाचिका द्वारा ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिन्होंने कम से कम 3 साल तक राज्य के भीतर शैक्षणिक संस्थाओं, माध्यमिक विद्यालयों से नीचे नहीं, उसमें अध्यापन में वो लगे हुए हों। अन्य 1/12 का चुनाव पंजीकृत स्नातकों द्वारा किया जाता है जो 3 साल से अधिक समय पहले पढ़ाई समाप्त कर चुके हों। बाकी सदस्य राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहयोग आंदोलन और सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाते हैं। वहीं चुने गए MLC का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है, लेकिन ध्यान रहे, प्रत्येक 2 साल पर एक तिहाई सदस्य हट जाते हैं। इन 6 सालों में विधान परिषद का सदस्य अपने क्षेत्र में विकास के लिए करीब 18 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। इसके अलावा उसे लगभग 40,000 रुपए वेतन के रूप में दिए जाते हैं। इससे ज्यादा उन्हें क्षेत्रीय भत्ते के रूप में प्रति महीने 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। इसके अलावा ऑफिस भत्ता के नाम पर 10,000 रुपए, स्टेशनरी आदि के नाम पर और दैनिक भत्ते के रूप में 60,000 और सहयोगियों के लिए 30,000 का भुगतान किया जाता है। वहीं इससे भी ज्यादा सभी MLC को सालाना खर्चे के लिए 3 करोड़ रुपए रेकमेंड किए जा सकते हैं। ये तो हो गए भत्ते वेतन की बात। चुने गए MLC को इसके अलावा भी ढेरों सुविधाएं मिलती है, जैसे कि एक MLC को राज्य के बाहर जाने के लिए भत्ते के रूप में 2500 रुपए मिलते हैं, आवासीय फोन या मोबाइल के नाम पर 1 लाख रुपए तक सालाना राशि, वाहन खरीदने के लिए 5% के साधारण ब्याज दर पर 15 लाख, लगभग 1 लाख रुपए की राशि कंप्यूटर और ऑफिस तैयार करने के लिए, फर्नीचर आदि के लिए 1 लाख रुपए की राशि, राज्य के भीतर 20 रुपए प्रति किलोमीटर और राज्य के बाहर यात्रा पर वाहन खर्च के नाम पर 25 रुपए प्रति किलोमीटर से राशि का भुगतान किया जाता है। 3 लाख रुपए तक खुद के और परिवारजनों के इलाज के लिए भी उन्हें दिए जाते हैं। यात्रा के लिए रेलवे का कूपन, हवाई जहाज का टिकट जो 3 लाख के अंदर दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि विधान परिषद विधानमंडल का अंग है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के रूप में 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसके अतिरिक्त असम, ओडिशा को भारत की संसद ने अपने स्वयं के विधान परिषद बनाने की स्वीकृति भी दे दी है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।